दोस्तों ये सारे प्रैक्टिकल तो हम देखने वाले हैं कि मैं इसको पूरा ट्रेस करने वाला हूँ, इसके कंपोनेंट तक और इसके आईसी के अंदर तक, और इसके आईसी निकाल के, इस आईसी लगा के आपको ये साइट फिर से चालू करके और पूरी टेस्टिंग के साथ में जहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्कीमेटिक डायग्राम इसका। तो ये मैं इसको पहले आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, फ्लो वर्किंग इसकी समझा देता हूँ, फिर इसके बाद इस पर काम करता हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे काम करना है। हालांकि इसके मैं एंड तक काम करूंगा, बराबर आईसी के अंदर तक मैं इस पर जाना चाहता हूँ और आपको डीपली मैं समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर ये समझिए फ्री में कंटेंट है आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जी, इसकी आईसी निकाल ली हमने। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, तो देखिए अब हम ये डायोड के माइनस चेहरे से इसके अंदर की कंटिन्यूटी ढूंढेंगे और डायग्राम में आपको अगर नहीं मिलती है तब आपको डायग्राम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने आईसी लगा दी है। सो इस वीडियो में पूरा मैं फिर से ब्रीफ करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। सो पहले इसको हम चालू कर लेते हैं और एक अपने टेस्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज भी देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इसको ट्रेस करके बताया आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। बस ये है आपका प्यार मिल जाए इस वीडियोस के थ्रू। ऑन हमारा ऑन हो चुका है, वो पावर ये मैंने टच का नहीं लगाया है। ये वीडियो हमारा रजिस्टर का नहीं है, ये वीडियो हमारा पूरा इस आईसी तक ट्रेसिंग का वीडियो है। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवक नगरवाल है और आप देख रहे हैं इस टेली को आपका चैनल, और यहाँ पर ये वीडियो हो सकता है आप देख रहे हो हमारे समीर जी के चैनल पे न्यू गैजेट नगरी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर लाइक अगर इस वीडियो को देख कर भी नहीं कर पाए तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ, इसमें इतनी मेहनत की हमने। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या आप देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आपको पावर की को पूरा ट्रेस करके आपको स्कीमेटिक से कैसे हमने पूरा बताया है कि आपके आईसी तक वो किस तरह से ट्रेसिंग उसको कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली एक आईसी को निकाल पावर आईसी को निकाल के उसके अंदर के पॉइंट तक हमने उसकी कंटिन्यूटी लेके आपको बताया है इस वीडियो में, ताकि दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। और आजकल के जितने भी नए सेट आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि पावर जो सेक्शन होते हैं उसमें जिनको नॉलेज होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आपने देखा होगा कि उसमें सीरीज में डायोड होता है तो बेसिकली वो डायोड का पूरा काम यहां पर दिखाया गया है, और एक फॉल्ट यहां पर जो आया था तो उस फॉल्ट को भी हमने यहां पर रिपेयर करके आपको बताया है। सो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको सिर्फ ये एक पर्टिकुलर मोबाइल का वीडियो नहीं है, इसको ये मत सोचिए कि इस पर्टिकुलर मोबाइल पर ही होगा, ये वीडियो आपको ट्रेसिंग आपको सिखाई गई है तो किस तरीके से स्कीमेटिक यूज करना है, जब आपके मन में कोई सेट आए तो उसको किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं और उसके फॉल्ट को डायग्नोस करके हम उसकी पर्टिकुलर उस आईसी पे काम कर सकते हैं। सो वीडियो आपके लिए बहुत फायदा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये काम आपको सीखना चाहिए सो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे जो आपको यहां पे फ्लैश हो रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक पावर की का कंप्लीट सेक्शन, जहाँ मैं आपको, हालांकि इसमें पावर की में दिक्कत है, यहाँ पावर की से जो टेस्टिंग पॉइंट्स है और जो हमारे पावर की बट जो पावर की जो हमारा कनेक्टर है उसे चालू नहीं हो रहा है। पहले तो मैं इसको सोल्यूशन बनाऊंगा, दूसरी बात खैर ये तो सोल्यूशन नॉर्मली है, इसके तो आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे, पर क्या आपको यहाँ पर एक नया जो आपको देखने को मिलेगा वो कंप्लीट, जो मैंने बोला कि मैं ये पावर की को पूरा एंड टू एंड आपको ट्रेस करके बताऊंगा, जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ स्कीमेटिक डायग्राम। तो मैं पूरा स्कीमेटिक डायग्राम किस तरह से उसको रीड करते हैं और पावर की को किस तरह से लूटते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट ऐसे आते हैं कि भाई पावर की पे काम नहीं हो रहा है, अब उसकी लाइन को कैसे ट्रेस करें। सो यहाँ इस वीडियो में आपको खास बात क्या देखने को मिलेगी कि मैं इसमें इसकी आईसी, क्योंकि ये एक चालू फोन है, मैं इसमें इसकी पावर आईसी को निकाल के उसके अंदर के किस बॉल के साथ में वो कनेक्ट होता है, ताकि कल को अगर आपके पास कोई फॉल्ट आए तो आप उस बॉल के साथ माइक्रो जंपिंग करके अपने पावर की को बना सकें। ये है एक बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट के एंड टू एंड सोल्यूशन। कि देखो दोस्तों, एक दुकान पे सीखने का एक फ़ायदा और नुकसान क्या होता है कि भाई हाँ जो भी काम आता है आप प्रैक्टिकल डेली वो तो आप देख लेते हो, पर जो काम नहीं आता है वो सीख नहीं पाते हो। पर एक इंस्टीट्यूट में सीखने का क्या फ़ायदा होता है, आप एंड टू एंड सीखते हैं, और आज के डेट में जितना प्रैक्टिकल और जितना थ्योरी सेक्शन, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पावर सर्किट वर्क कैसे करता है, द फ्लो ऑफ वर्किंग कि कैसे ये वर्क करता है। तो जिसमें हम आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट हैंडसेट पर
और जितने भी जो नए हैं, लाइट सेक्शन की बात करें, नेटवर्क सेक्शन की बात करें, पावर सेक्शन, बूट सीक्वेंस सेक्शन, ये सारे सेक्शंस हम यहाँ पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो अगर आपको बहुत अच्छे से, आपको हालांकि वीडियो देखने से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा और आप बहुत अच्छा कर लेंगे, पर अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए और स्किल और अदर सेक्शन में, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इसे टेलीकॉम। यहाँ पर हमने कोरोना के टाइम पे बुकिंग चालू कर ली है, बट हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा जुलाई के बाद सितंबर और अक्टूबर के बैच के लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। पावर की का मसला है इस फोन में, जिसको मैं पूरा स्कीमेटिक से रीड करके आपको आईसी से एंड टू एंड इसको ट्रेसिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। ये यूट्यूब के इतिहास में पहला वीडियो है जिसमें पूरा एक आईसी तक ट्रेसिंग करके अंदर के बॉल तक की कौन से बॉल कनेक्टेड है, ये सारी चीज इसमें दिखाई गई है। तो वीडियो को स्किप मत करना, लाइक कर देना जितना हो सकता है, लाइक कर दो इस वीडियो को। मैं कभी नहीं बोलता अपने चैनल पे, आपने कभी भी हमें समय जितने भी देखे होंगे 500 के ऊपर रिपेयरिंग के वीडियो डाले हमने, आपने देखे होंगे कि कभी मैं ये नहीं बोलता कि लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। पर इस वीडियो में मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सकता है लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने यहां पे किए बहुत मेहनत आपके लिए एक चालू एंड सेट में। और हालांकि इसमें पावर की का फॉल्ट है, फॉल्ट माइनर है, बट अगर वो माइनर आपके लिए आईसी तक चला जाए तो आप उसको कैसे बनाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं पावर की का एक कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, बने रहे इस सेक्शन के साथ। अब देखिएगा इसमें क्या क्या फॉल्ट इसमें आ रहा है। सबसे पहले मैं इसमें देखिए बैटरी लगा देता हूँ, देखिएगा मैंने ये बैटरी लगा दी इसमें। ओके, अब मैं इसमें एक चार्जर लगाता हूँ और इसमें आपको एम्पियर चेक करवाता हूँ। देखिए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एम्पियर का डिस्प्ले, और ये मैंने चार्जर लगा दिया, ये देखिए, और मेरा फ़ोन हो गया ऑन, मतलब चार्ज हो रहा है, प्रॉपर है, सारी चीज़ है, बट पावर की इज नॉट वर्किंग। तो अभी कैसे बनाया है इसको, देखिए, ठीक है, चार्ज भी ले लिया, ठीक है, 1 एम्पीयर के ऊपर चला गया, देखिए, ठीक है, सारी चीज़ प्रॉपर है। अब पावर की इज वर्किंग नहीं है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पावर की कैसे वर्किंग नहीं है। सबसे पहले मैं पावर की पे आपको देखिए ट्विजर से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये पावर की का टेस्टिंग पॉइंट है, तो मैं इस टेस्टिंग पॉइंट पर रखकर ये देखिए, और एक सिरा ग्राउंड पर रखकर ये देखिए, देखिए देखिए, एक सिरा टेस्टिंग पॉइंट पर और एक सिरा ग्राउंड पर, सॉरी, एक सिरा टेस्टिंग पॉइंट पर, एक सिरा ग्राउंड पर, ये देखिए सेट अभी भी देखिए 5-6-3 सेकंड लगते हैं बूटिंग होने में, देखिए कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसमें वोल्टेज देख लेते और रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ, देखिए, सो सबसे पहले मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो इसको 20 वोल्ट पर मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। रेड प्रोब को मैं रखूँगा टेस्टिंग पॉइंट पर और ब्लैक प्रोब को रखूँगा ग्राउंड पर, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर मैं वॉल्यूम की पे चेक करूँ, ये वॉल्यूम डाउन है, देखिएगा, चलिए तो फिर से मैं इसको चेक करवा देता हूँ। देखिए पावर की पे देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और वॉल्यूम की पे अगर मैं चेक करूँ, देखो वॉल्यूम डाउन पे 1.8 आ रहा है, और वॉल्यूम अप पर देखिए जैसे कि कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलता है। तो वॉल्यूम डाउन पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पावर की पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सो हमने यहाँ पर किया इसको डायोड मोड पे। अब मैंने किया कोल्ड टेस्टिंग, रेड को मैंने रख दिया ग्राउंड पर, ब्लैक को रखा मैंने टेस्टिंग पॉइंट पर, सेम चीज़ ये देखिए, और यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है। रीडिंग मुझे मिलनी चाहिए इस तरह से, पर यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है। तो चलिए, ये तो चीज़ बहुत कॉमन है, इसको बनाना, ट्रेसिंग करना कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों, ये बहुत आसान है। और सच बताऊँ, अगर आपको ये लगता है कि आपको ये सब सीखना है, तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए, नंबर है उस पर कॉल कीजिए, बुकिंग की अपनी बुकिंग कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी प्री बुकिंग होती है। हमारे यहाँ ये हमारे देश का पहला इंस्टीट्यूट मान लीजिए कि आपने कॉल किया और अगले दिन हम कभी नहीं बुलाते, या फिर आपने कॉल किया और इसी महीने आपको बुला लिया, क्योंकि ऑलरेडी देश भर से इतने बच्चे आते हैं हमारे यहाँ सीख कर जाते हैं। और हमने कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है, काफ़ी सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हमारा
सुपीरियर वर्किंग रही है हमारी हमारे स्टूडेंट के साथ में, और बहुत अच्छा हमने बैकअप सपोर्ट दिया हुआ है। बैकअप से सपोर्ट पर मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा कि सपोर्ट की ज़रूरत कितनी है और क्यों है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, सर्किट बदलते हैं, नए सर्किट आते हैं, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हर महीने जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको हर महीने हम एक वो आपके हर महीने हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हर महीने अगर लाइट सेक्शन में भी एक नया लाइट आपको आईसी आता है, जैसे फॉर सपोज Redmi Note 8 Pro में जो लाइट आईसी और जो डिस्प्ले आईसी को मर्ज कर दिया गया है, तो वो सर्किट हम जूम ऐप के थ्रू या किसी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने स्टूडेंट को पूरा, दोस्तों ये सारे प्रैक्टिकल तो हम देखने वाले हैं कि मैं इसको पूरा ट्रेस करने वाला हूँ इसके कंपोनेंट तक और उसके आईसी के अंदर तक, और इसके आईसी निकाल के इस आईसी लगा के आपको ये सेट फिर से चालू करके और पूरी टेस्टिंग के साथ में जहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्कीमेटिक डायग्राम इसका। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने यहाँ मल्टीमीटर सेट करके रखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर मल्टीमीटर और 20 वोल्ट पे, ठीक है। मैं ओपन कर रहा हूँ स्कीमेटिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, तो इसके साथ पैरेलल में एक स्क्रीन और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसके साथ पैरेलल में एक स्क्रीन और मैं आपके साथ शेयर कर रहा, सो इसके साथ दोस्तों पैरेलल में एक और स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमारा खुल गया है सर्किट डायग्राम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीन यहाँ पर पैनल ओपन करके रखे हुए, विंडो ओपन करके रखी हुई है, आप पीडीएफ बोल सकते हैं, एक हमने ओपन करके रखा हुआ है हमारा लेआउट, एक हमारा आपका स्कीमेटिक और एक हमारा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। मैं तीनों से आपको उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूँ, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी देखिए और जो लोग और सीखिए और जो हमको पसंद करते हैं वो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पावर की, तो पहले आपको अपने बोर्ड में पावर की लोकेट करना होगा, तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये पावर की आपका और ये मेरा टेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं इसको पहले आपको डायग्राम में समझा देता हूं, फ्लो वर्किंग इसकी समझा देता हूं, फिर इसके बाद इस पर काम करता हूं कि कहां कहां मुझे काम करना है, हालांकि इसके मैं एंड तक काम करूंगा, बरादा आईसी के अंदर तक मैं इस पर जाना चाहता हूं और आपको डीपली मैं समझाना चाहता हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर ये समझिए फ्री में कंटेंट है आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। सो सबसे पहले आपको अपने लेआउट में है ना, आपको ये ढूंढना होगा कि आपका बैटरी आपका सॉरी जो पावर की कनेक्टर है ये कहाँ पर है, जैसे ये पावर की कनेक्टर है J2200 के नाम से, तो आपको डायग्राम में जाकर वो सर्च करना पड़ेगा, J2200 सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट में जाकर फाइंड का ये ऑप्शन आता है या कंट्रोल प्लस एफ दबा के आप इसको ये वाला आप मेन्यू ला सकते हैं, आप नेस्ट करेंगे और जब आप नेस्ट करते हैं तो देखिए आपको इस तरह का आपको पावर की कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर टोटल 8 पिन बताई गई हैं, ये जो 8वीं और 7वीं ग्राउंड है, ठीक है, ये आपकी ये लॉकिंग पिन है जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, जो मेन है ये 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई शुरू की 2 पिन है तो ग्राउंड बताई गई हैं, ठीक है, और उसके बाद में चौथे नंबर की पिन को यहाँ पर पावर की पिन बताई 2, तो ये वाली आई होप पावर की पिन होगी, और उसके बाद में अगर यहाँ से 1 चालू हुआ तो, और उसके बाद में तीसरे नंबर की पिन को बताया गया है यहाँ पर वॉल्यूम डाउन, और दूसरे नंबर की पिन को बताया वॉल्यूम अप, और पहले नंबर की पिन को बताया हुआ है आपका ग्राउंड, तो मतलब बेसिकली इसमें 3 ग्राउंड है और 3 ही की सप्लाई इसमें दी हुई है। सो सबसे पहले हम पावर की पे जाएंगे, तो देखिए चौथे नंबर पे जो ये देखिए, तो ये चौथे नंबर पे जो पावर की है इसमें सबसे पहले एक आपको डायोड देखने को मिलेगा, तो बेसिकली वो डायोड जो है इसका वैल्यू उसका जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो D/03 है। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि जिस नाम से कनेक्टर होते हैं ये स्कीमेटिक में देखने वाली बात होती है, जिस नाम से ये कनेक्टर होते हैं उस नाम से ही उसके कंपोनेंट भी डिफाइन किए जाते हैं, तो ये बात थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं, लिख लो तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर आप इसका डायग्राम भी बनाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ D/03 हमें सर्च करना है कि लेआउट में किधर है, सो हम कंट्रोल प्लस एफ D/03, क्योंकि ये पैलर एक डायोड है ये भी समस्या दे सकता है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके टेस्टिंग पॉइंट के बगल में कैपेसिटर के जस्ट नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायोड है, सो ये डायोड भी चेक करते हैं, उसके बाद भी चेक करते हैं डायोड के बाद में क्या दिया हुआ है, तो डायोड के बाद एक रजिस्टर दिया हुआ है 1 किलो ओम्स का, और जनरली इसमें 1 किलो ओम्स के रजिस्टर होते हैं, और
ये है, ये भी देखिए RY02 के नाम से है, जो कि उसके जिस बगल में लगा हुआ है, मतलब एक ये और एक ये। सो इनको एक बार चेक कर लेते हैं और इसको एक बार देखिए, मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पे इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक हाई वैल्यू रजिस्टर है, तो ये एक तरफ से बीप आएगा, दोनों तरफ से बीप नहीं आएगा, तो एटलीस्ट हमें यहाँ से यहाँ तक बीप चाहिए, क्योंकि ये पैलर है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बीप चाहिए। बाकी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए, और दोनों ओर वैल्यू में दोनों ओर चाहिए, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पर चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि रजिस्टर आपका ओपन हो चुका है, सो आप रजिस्टर पे जंपर मार सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये रजिस्टर पे कभी जंपर मत मारिए, इसको हमेशा चेंज कीजिए, अगर आप रजिस्टर चेंज करेंगे तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, पर हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और देखेंगे इसके आगे ये कहां जाता है, फिलहाल तो अभी मैं यहां तक हूं, तो यहां पर चेक कर लेते हैं। तो हम कोल टेस्टिंग कर रहे हैं, आप मल्टीमीटर में देख ही रहे होंगे, तो देखिए एक सिरा मैं यहां पे ग्राउंड पर रख देता हूं, तो यहां देखिए, यहां हमें देखिए कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, जैसे कि यहां पे वैल्यू मिल रही है, तो यहां कोई नहीं मिल रही है, तो डेट मीन ये ओपन है। तो देखिए यहां पर बेसिकली यहां तो आपको वैल्यू आ रही है, अब इसके बाद में ये डायोड तो पैलर है, क्योंकि पैलर से तो ओपन होता नहीं है, और अगर यहाँ पे लीकेज या शॉर्ट होता तो मैं डायोड चेक करता, तो अभी डायोड चेक करने का कुछ बनता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर जाता, क्योंकि दोस्तों अगर ये हट भी जाएगा तो भी यहाँ पर रीडिंग आएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं एक बार कंटिन्यूटी यहाँ पे देख लूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीप आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से इंटरली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो कनेक्टेड है, पर अब यहाँ से तो ये बीप कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही है रजिस्टर की क्या वैल्यू है। अब मैं एक बार रजिस्टर चेक कर लेता हूँ कि रजिस्टर पे कोल टेस्टिंग पे रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो एक बार जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है, देखिएगा यहाँ पर ये नीचे वाले रजिस्टर की आ गई थी रीडिंग, यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, और अब जैसे नीचे करूंगा तो यहाँ पर देखिए आपको रीडिंग मिल रही है 700 ohms की, 0.752 ohms की आपको यहाँ पर रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि रीडिंग यहाँ पर नहीं जा पा रही है, क्योंकि रजिस्टर एक पैसिव कॉम्पोनेंट है, इसका काम तो सप्लाई हो आगे भेजना होता है, भले वो कितने भी ओम्स का क्यों ना हो। तो एक बार मैं रजिस्टर को चेक कर लेता हूँ, 1K का आपका होना, तो इसमें वैल्यू, अब देखिए इसको मैं 2K पर रख लेता हूँ मल्टीमीटर को, ओके, तो मल्टीमीटर को हमने 2K पर रख लिया है, और अब मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। ये तीनों जो रजिस्टर है 1K के लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर जैसे देखिए नीचे देखिए यहां पे 1K बता रहा है, यहां बताएगा तो यहां 1K बता रहा है, पर यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये जो रजिस्टर है ये ओपन हो चुका है। ये यहां तक तो हम समझ गए, हमारा काम हो गया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस रजिस्टर को चेंज करना है और एक हाई वैल्यू रजिस्टर यहां पर डाल देना है, हमारा काम हो जाएगा, ये मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा। बट अभी क्या है, ये वीडियो सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये वीडियो आपको पूरा एंड टू एंड समझाने के लिए है। तो मान लीजिए आपका अगर ये रजिस्टर भी सही होता तो आपको कहां जाना होता, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देखिएगा। सो अब डायग्राम में आ जाते हैं वापस, तो भाई यहां तक तो जा रहा है, अब देखिए यहां पे दो सप्लाई को दिख रही है, डीबग PMI, सो यहां पर ये दिख रही है ना, ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये बता रही है कि भाई इसका टेस्टिंग पॉइंट किधर जा रहा है, तो ये देखिए ये TP247, तो यहां पर आपको देखिए TP247 ये टेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये हमारा, हमें ये सप्लाई नहीं देखनी, हमें देखनी नीचे वाली सप्लाई। सो अभी हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट टूल करेंगे और इसको यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बताया, पूरा सर्च कीजिएगा, इस तरीके से हम सर्च करेंगे। तो ये बेसिकली दो जगह जाना चाहिए और दोनों पावर आईसी में जाना चाहिए। देखिए मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं, जो इसके ब्लॉक डायग्राम है आपको यहां पर शो होगा, इसके ब्लॉक डायग्राम में इसके पावर आईसी पर जाएंगे, तो देखिए ये इसकी पावर आईसी है और PM। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए कीपैड जो पावर की आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये आपको देखिए, ये आपको इधर PMI पे भी जा रही है कनेक्टर से सीधे, और ये आपके PM पे भी जा रही है, तो देखा जाए तो दोनों पे जा रही है। यहां मैं फिलहाल इस वीडियो को लंबा ना करते हुए एक आईसी पे ले जाऊंगा, दूसरे आईसी पे आपको खुद करना है और मुझे बताना है कमेंट पे, हाँ सर मैंने किया और धूरा,
कदम से आप बता रहे हो कि किसी से फिर आपको सलूशन लेने की कभी कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर हम करते हैं कि इसको सर्च, ये हमने किया और ये देखिए, तो सबसे पहले हमें ये देखिए PMI पे हमें ये मिली है सप्लाई, ठीक है, और सर्च करते हैं तो देखिए इसके साथ में ना एक सप्लाई और एक आपको सीरीज में एक डायोड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। और फिर ये PM पे जा रही है, मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो ये डायोड का जो माइनस सिरा है वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपका कनेक्टर से, और वो चीज सेम जा रहा है आपका PMI में, पर डायोड का जो प्लस सिरा है वो कनेक्टेड है आपका पावर IC पे, है ना, पावर IC मेन पावर IC पे। सो अब डायोड को ढूंढते हैं, ये डायोड का क्या काम है और ये यहाँ पर क्यों है। सो ये सारी चीजें मैं ऊपर प्रैक्टिकली आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, आप ज्वाइन करें, पर फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये डायोड लगा किधर है। तो D110 को हम टेस्ट करेंगे, सो यहाँ पर D110। अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सर डायोड सीरीज में लाइट सेक्शन में लगा होता है, पर नहीं, यहाँ पर लाइट सेक्शन के अलावा पावर की सेक्शन में आपको डायोड देखने को मिलेंगे। ये आपके अभी तक के यूट्यूब में किसी ने आज तक ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जो हमने बनाया यहाँ पर। सो देखिए ये डायोड आपको इस PMI के जस्ट ऊपर यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा, मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ। सो ये तो आपका कनेक्टर हो गया, ये आपका पावर, ये टेस्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट, ये इसका सीरीज कंपोनेंट, और उसके बाद में ये आपका PM लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो डायोड है, ये डायोड में ये डायोड है आपका, ये तो ये पावर की डायोड है भाई मेरे। अगर ये डायोड आपका हट जाए, ओपन हो जाए, तो आपका पावर जो आपका चार्जिंग पे चल जाएगा, बट आपका ऑन नहीं होगा सर्किट, आप कुछ भी कर लो ऑन नहीं होगा, और आप इसको जम्पर भी नहीं मार सकते, ध्यान रखना, क्योंकि ये पैसिव कंपोनेंट नहीं है, डायोड इज एक्टिव कंपोनेंट। और कंपोनेंट के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए दोस्तों, मैं सच बताऊं, जो लोग बिना कंपोनेंट के नॉलेज से अभी मोबाइल फोन बना रहे हैं वो सिर्फ तुक्केबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन पे ही है बच जुगा। तो आपकी जिंदगी, आपको प्रोफेशनल बनना है, अच्छा सीखना है, तो एक बार अपना इंस्टीट्यूट में आइए, क्योंकि दुकानों में तो फिर वही डायरेक्ट सोल्यूशन वाले काम ही होते हैं, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं होता है। तो जनरली ये डायोड है, चलो ये डायोड को चेक करते हैं। तो इस सर्किट के हिसाब से वो रजिस्टर के दूसरे सिरे से डायोड के माइनस पे बीप जानी चाहिए, तो मैं आपको इस तरह से कुछ दिखाता हूं यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ में। तो देखिए एक सिरा मैंने यहां रखा हुआ है क्योंकि रजिस्टर खराब है, टेस्टिंग पॉइंट तो सही है, और एक सिरा मैंने देखिए इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं सर्किट को, ठीक है, बैटरी नहीं लगी होनी चाहिए इस टाइम पे, ये देखिए, तो एक सिरा मैंने यहां रखा हुआ है, ठीक है, और किसी टच नहीं होना चाहिए, और एक सिरा ये डायोड में यहां पर इस IC के डायोड में यहां पर देखेंगे, तो यहाँ के डायोड के माइनस के साथ में बीप करना चाहिए। सो इसको हम 20, ये हमारे 2K पे है, ये हम इसको बीप पर रख लेते हैं। आई होप कि आपको मल्टीमीटर आवाज भी आ रही हो, ठीक है, देख सकते हैं कि ये हमारा रजिस्टर है, तो ये एक सिरा हमको यहां रखना है, रजिस्टर हमारा ओपन है, टेस्टिंग पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली सबसे ज्यादा लोगों में क्या दिक्कत जाती है कि ये जो लाइन का सर्किट है ना, ये इंटरली डैमेज होता है। सो आपको यहां से लेकर, देखो पहला तो आपका रिजल्ट है जो हमने अभी यहाँ इसमें करने वाले हैं कि यहां से लेकर, हालांकि इस रजिस्टर को हम चेंज करेंगे, हमारा हो जाएगा, कई लोग इसको जम्पर मार देते हैं, पर मेरे को जम्पर नहीं मारना चाहिए, कस्टमर वापस आ जाए कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहां, तो आपको रजिस्टर को चेंज करना है। दूसरा आपको इस रजिस्टर से आगे, क्योंकि देखिए पहले के मोबाइल में क्या होता था, जिसमें सिंगल पावर की होती थी, जिसमें सिंगल पावर IC होती थी, तो उसमें क्या होता था कि सीधे पावर IC के अंदर चले जाता था इसके बाद। पर अभी क्या हो रहा है, 2 पावर IC में जा रहा है, पर यहाँ पर उसके लिए बीच में एक सीरीज में यहाँ पर डायोड लगा रहे हैं। सो आप जैसे देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब ये क्योंकि ये माइनस सिरा है और ये प्लस सिरा है, और ये प्लस सिरा बेसिकली जा रहा है पीछे लगे आपके मेन PM में, और यही माइनस सिरा आपका जा रहा है इस IC में। तो हम इसी IC को निकालेंगे, और इस IC को निकाल के हम इसके यहाँ से इसके अंदर का सर्किट देखेंगे कि भाई, क्योंकि जनरली क्या होता है दोस्तों, मैं सच बताऊं कि अगर आपका ये इंटरनली लाइन भी क्रैक हो जाए या टूट जाए, तो भी आपका, आपको यहां से यहां पर कंटिन्यूटी भी मिल जाएगी। चलो ठीक है, पहले सिरे में आपने रजिस्टर बदल दिया, दूसरे सिरे में आपने यहां से लेकर यहां पर आपने जम्पर मार दिया, पर तीसरे सिरे में आप क्या करेंगे भाई, आप IC को रिवॉल्व कर लेंगे, नया बदल लेंगे, फिर बोलेंगे सर हुआ नहीं, रिहॉट कर लेंगे। आपको इस IC के अंदर तक ट्रेसिंग आनी चाहिए कि आपको यहां से लेकर इस IC के अंदर तक आपको इस तरह से कनेक्टिविटी आपको देखनी चाहिए। और ये देखने के लिए आपको किसी डायग्राम को सीखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो सर हम
10 सालों से सिखा रहे हैं और आपको सबसे बेस्ट सिखा सकते हैं, बट आपको जो हर जैसे MI के अलावा Vivo हो गए, Oppo हो गए, उनके सबके तो डायग्राम आते नहीं ना, Samsung हो गए उनके सबके तो डायग्राम आते नहीं ना, सो डायग्राम के हिसाब से करने लगोगे तो सर हो गया आपका मोबाइल। सो ज्यादा बेस्ट है कि आप प्रैक्टिकली आपको एक नॉलेज मिले कि वहाँ ट्रेसिंग करनी कैसे होती, कैसे है ट्रेसिंग, तो ये सीखने के लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना होगा और कसम से बता रहा हूँ कि इतना बेस्ट सीखेंगे आप, इतना बेस्ट आप सीख सकते हैं और इतना बेस्ट आप सीख जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा जो कि आप देखते हैं ना कि ऐसा टेलीकॉम जो नंबर वन हमेशा है और हमेशा से रहता है, सो ये आपके दिल और दिमाग में भी रहेगा। तो अभी यहाँ तक तो भी देखो मेरा फॉल्ट यहाँ से यहाँ तक तो है, यहाँ मेरा फॉल्ट है सिर्फ रजिस्टर्ड का, बट मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों यहाँ से यहाँ तक होता तो मैं क्या करता, यहाँ से बीप नहीं आती तो यहाँ से लेकर यहाँ पे एक जंपर मार देता। अगर मान लीजिए ये वाला फॉल्ट भी नहीं होता और ये भी सही होता तो फिर मैं इस IC को रिवॉल्व करता, फिर उसके बाद मैं ये चेक करता कि यहाँ से यहाँ तक बीप आ रही है, फिर उसके बाद मैं ये चेक करता इसके प्लस पॉइंट से जो मेन इसका पावर IC उसके पीछे तक मैं उस IC को रिवॉल्व करता, उसकी कंटिन्यूटी लेता। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको इस IC को ओपन करके दिखा रहा हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस फोन को बना लेते हैं, रजिस्टर को चेंज करके फिर दूसरे नंबर पे हम इस पावर IC को निकालेंगे, उसको निकाल के यहाँ से आप एक तरह से आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेसिंग होती है और किस तरीके से काम कर सकते हैं आप लोग और किस तरह से आपको एक अंदर मिलेगा कि हाँ जब ये काम पॉसिबल है। इसमें कुछ कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं सच बताऊं ये बहुत ही एक नॉर्मल काम है और अगर आप ये करेंगे तो आपको लगेगा यार अभी मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ नहीं रखा, वाकई में बहुत आसान है, ठीक है। सो इसको आसान हमने बना दिया है एक्चुअल में, नहीं तो लोगों ने इसको बहुत कठिन बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले एक रजिस्टर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम ये पावर IC को निकाल के यहाँ से कंटिन्यूटी दिखा के सारी चीज़ आपको पूरा दिखा कर आपको समझा कर इस वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को पूरा इसलिए देखते रहिए क्योंकि अगर कहीं भी आप मिस करते हैं क्योंकि बीच चीज में मैं हर चीज़ बोल रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगा दिया है। ये देखिए, ये रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है और ये रजिस्टर यहाँ पर लगने के बाद यहाँ पर रीडिंग आ गई है। अभी तो मेरा काम हो गया है, मेरा फोन चालू हो जाएगा, कोई वो नहीं है। बट मेन क्या है, अब मुझे आपको ये बताना है कि अगर मान लो आपका फॉल्ट ये चाहता कि भाई इस रजिस्टर से यहाँ तक का अगर आपको बीप नहीं मिलती, तो आप क्या करते, फिर रजिस्टर के ये सिरे से आप डायोड के ये सिरे तक जम्पर मारते। बट अगर उसके बाद भी फॉल्ट जाता, क्योंकि ये दो पावर आईसी में जा रहा है, क्यों मैं इस पावर आईसी में काम कर रहा हूँ, मैं इस पावर आईसी को निकाल के इसको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस बॉल पे जा रहा है, तो किसी न किसी एक बॉल के साथ यहाँ पे कंट्री डालनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको माइक्रो जम्परिंग करनी पड़ती। बॉलों का सिक्वेंस कैसे जाने ये तो आपको क्लास में आकर ज्वाइन करके पता चलेगा सारी चीज़ें, और बहुत डिटेलिंग में आगे आके आपको आगे भविष्य में इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसको देखिएगा। तो ये हमारा काम तो हो गया है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये हमारा फोन यहाँ पर चालू हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है। अब मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ एक बार। चलिए, देखिए मैंने पावर की लगाई हुई है, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ डाल दिया है वोल्टेज में। अब देखिए माइनस फॉर टेस्टिंग कर रहा हूँ अब मैं, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ गया है मेरे को 1.8। तो ये चालू हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट एक बार कंप्लीट वीडियो को कर लेते हैं, क्योंकि जो पर्पस है वो पर्पस पूरा एंड टू एंड है। तो इस आईसी को भी हम यहाँ पर इसको निकाल के इसके अंदर के यहाँ, क्योंकि ये तो फिर डायोड के प्लस के साथ में जॉइंट होता, पर ये आईसी पे भी वर्क कर सकते हैं, तो कोई सी भी आईसी वर्क कर सकते हैं। तो हम ये पे इस पे कर लेते हैं, कुछ नहीं है, उस पे दोनों पे वर्क कर लेते हैं। उस पे वर्क करेंगे तो फिर मेरे को एक जम्पर लेना पड़ेगा ट्रेसिंग के लिए, तो अभी फिलहाल इस पे वर्क कर लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ पर मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आईसी को निकाल देते हैं और ये पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में अभी तक आपने देखा किस तरह से मैंने सोल्यूशन किया। अब हम देख रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ तक तो बात सही थी, पर इसके बाद आईसी पे कैसे फंड आउट करें, तो ये देख लीजिए। तो चलिए जी, इसकी आईसी निकाल ली हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब हम ये डायोड के माइनस सिरे से इसके अंदर की कंटिन्यूटी जोड़ेंगे, और डायग्राम में आपको अगर नहीं मिलती है तब आपको डायग्राम का मतलब है, तब आपको दूसरा बोर्ड लेना पड़ेगा। मतलब आप मान के चलो कि अगर आपको यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, तब आपको फिर या तो दूसरा सेम बोर्ड चाहिए, तो डायग्राम से या फिर आप इसको जोड़ पाएंगे कि बेसिकली किस बॉल के साथ जा रहा है। ठीक है, तो एक बार पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूटी करके दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से ये जो पीएम, और यहाँ मैंने आपको बताया होगा कि भाई ये जो मेरा डायोड है ये सीरीज में लगा हुआ है, ये डायोड का ये सिरा माइनस है, ये सिरा प्लस है, ये सिरा आपका कैथोड है, ये सिरा एनोड है, और ये बेसिकली एनोड से कनेक्टेड है। अब देखिए, आप यहाँ पर मल्टीमीटर देख ही रहे होंगे, मैं आपको मल्टीमीटर इस तरह से लाइट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर में देखिए डायोड मोड डाल के रखा हुआ है, या तो थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ये अब आप मल्टीमीटर ये देखिए, अब आप मल्टीमीटर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि आईसी निकल गया, अब सपोज मान के चलो कि भाई ये आईसी खराब है, ठीक है, आईसी वाटर डैमेज है, इसके कुछ एक दो प्रिंट आपके निकल गए हैं, खराब है किसी गिरने की वजह से यूज हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब इसकी पूरी जो रेजिस्टेंस है वो ओपन हो चुका है, देखिएगा ये मैंने रेड वाला सिरा है इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ओपन हो चुका है, देखिए और जगह पर रीडिंग आ रही है, ये देखिए रीडिंग आ रही है, ऐसा नहीं है कि, पर जो लाइन इससे कनेक्टेड है आईसी से वो ओपन हो चुकी है, क्योंकि बेसिकली ये लाइन कनेक्टेड है यहाँ से, देखिए ये इसका प्लस और इसके यहाँ पर, देखिएगा ठीक है बीप मोड पे, तो इसके हमने रखा प्लस पर, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये देखिए मैं ग्राउंड पे टच कर रहा हूँ, देखिए कैपेसिटर के दोनों सिरे पे, आपको पता है कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड होता है, यहाँ पर देखिए कोई बीप नहीं आ रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बीप आ रही है, इसका मतलब अगर आपका फॉल्ट आईसी तक गया है या आपको रीडिंग नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक इंटरनली वायर निकालना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नली एक माइक्रो जंपरिंग आपको करनी पड़ेगी, और यहाँ से होते हुए वो जंपर आपको यहाँ डालना होगा, फिर आपका काम हो जाएगा, और यही टेक्नीशियन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया बिल्कुल आईसी निकाल कर, अब इस आईसी को वापस लगाते हैं और सेट को चालू करते हैं और कुछ टेक्निकल बातें करते हैं। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको और डीपली में समझने आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपने समझा होगा किस तरह से मैंने इसको ट्रेस किया। मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक तो बता ही देता हूँ, चलिए ट्रेसिंग की, टाइम लगेगा पर जितना एक बार में दे दोगे उतना अच्छा है। मैंने एक सिरा यहाँ रखा और यह ऐसे टच करता गया, ठीक है, तो मुझे ये मिला, पर बेसिकली ये मिल रहा है क्योंकि सही है, पर आपके केस में ये ओपन हो सकता है, फिर आपको डायग्राम रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, या तो सेम पीसीबी से निकाल लो, तो दो चीज़ हैं तो जिससे हम ये पता कर सकते हैं, तो डायग्राम यहाँ पर बहुत हेल्प करता है, ये बात तो है, और डायग्राम ही है जो आपको मदद कर सकता है, अब क्या पता दूसरी पीसीबी आपके पास मिली या नहीं मिली। चलिए अब इस पीसीबी पर काम कर लेते हैं फटाक से, इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करना जरूरी है क्योंकि देख रहे हैं कुछ बॉल आपके सोल्ड है या कुछ बॉल नहीं, अगर मैं आईसी लगाऊंगा तो ये ठीक से प्रॉपरली बैठेगी नहीं।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने आईसी लगा दी है। सो इस वीडियो में पूरा मैं फिर से ब्रीफ करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। सो पहले इसको हम चालू कर लेते हैं और एक अपने टेस्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज भी देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इसको ट्रेस करके बताया आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है और मुझे पूरे यकीन है कि आपको बहुत नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। बस ये है आपका प्यार मिल जाए इस वीडियो के थ्रू। देखिए एक बार रीडिंग चेक करके देख लेते हैं फिलहाल। तो यहां हमने इसको डाला है डायोड मोड पे, और अब हम एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट पे हम रखेंगे ब्लैक और रेड रखेंगे हम ग्राउंड पे। ये देखिए देखिए रीडिंग हमें आ रही है। तो अब इसको लगा लेते हैं यहां पर और आपको दिखाते हैं ये सेट। तो पहले देखिए ऑल कनेक्टर लग गए हैं, और मैं बता दूं कि इसका ये जो कनेक्टर है ये पहले लगा था, ये बहुत पहले से ही ढीला था तो टेप लगाने की वजह से निकल गया। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम पूरा चेंज करेंगे। तो ये मोबाइल तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया था, खाली इस पर फॉल्ट भी था, तो ये कनेक्टर को हम चेंज करेंगे बाद में। और आई होप कि आपको ये सब चेंज करना आया नहीं आया, तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से इस कनेक्टर को चेंज करना सीखें। आप ऐसे अच्छी SMD यूज़ करेंगे तो आपको कनेक्टर प्लास्टिक है जलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, ये देखिए बैटरी लगा दी है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए हमने इसको रखा हुआ है 20 वोल्ट पर, और अब हम यहाँ पे वोल्टेज हमें आना चाहिए 1.6 से 1.8 वोल्टेज। ये देखिए एक सिरे को हमने ग्राउंड कर दिया है, तो देखिए हमें 1.8 वोल्टेज हमें आ रहे हैं। अब हम यहीं से इसको स्विचिंग करके इस फोन को ऑन कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं यहाँ पे ले आया फ़ोन आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब मैं यहीं से इस फ़ोन को ऑन करूँगा, ये देखिए। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पहले हम पावर की से फ़ोन ऑन नहीं कर पा रहे थे, हालांकि वो मसला तो मैंने शुरू में ही हल कर दिया था एक रजिस्टर चेंज करके। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। दोस्तों ये जो वीडियो है वो रजिस्टर का वीडियो नहीं है कि वो रजिस्टर चेंज किया ये और आपको पावर की बनाया ये, वो वीडियो आपको पावर की को पूरा ट्रेस करके जो मैंने आपको बताया। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, वो पावर ये मैंने टच का नहीं लगाया, ये वीडियो हमारा रजिस्टर का नहीं है। ये वीडियो हमारा पूरा इस IC तक ट्रेसिंग का वीडियो है। हमने बताया कि प्रॉपरली आप भी किस तरीके से ये काम कर सकते हैं और सेट बना सकते हैं, ये पूरा ट्रेसिंग का वीडियो था। चलो इसको फिर से डीपली एक बार समझ लीजिए, तो फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, देखिएगा। तो देखिए हमने बताया सबसे पहले हमको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिली, ठीक है। हमने इसको ट्रेस किया, डायग्राम ने देखा कि हमें यहाँ पर ये रजिस्टर था, ये रजिस्टर में फॉल्टी था और हमने इसको चेंज किया एक दूसरे सेट से, ठीक है, एक 1K का रजिस्टर था। तो हमारा काम तो यही हो गया। बट मैंने बताया अगर मान लो उसके बाद अगर आपको फॉल्ट जाता है तो आप इसको फिर चेंज करेंगे, क्योंकि जनरली जिसमें सिंगल पावर IC होती है वो सीधा आपके पावर में मेन पावर में चले जाता है, पर जो आपकी डुअल पावर IC होती है उसमें ये दो पावर IC में जाता है, एक PMI और एक PMQ। तो हमने इसको मेन PM पे आपका काम दिखाया। तो सबसे पहले इसको ट्रेस किया तो हमें ये डायोड मिला डायग्राम में, जैसे आपने देखा होगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपने देखा कि डायग्राम के मैं इसके माइनस से ये इसका कैथोड इससे जुड़ा हुआ है रजिस्टर से, उसका जो एनोड है वो आ रही सप्लाई इस IC से। तो हमने इस IC के अंदर की उसकी ट्रेसिंग बताई।
और आई होप कि आपने फोटो खींच ली होगी, नहीं खींची तो स्क्रीनशॉट खींच लेगा और उस पर गोला बना। कभी नेक्स्ट टाइम पे अगर ये सेट आया और कभी ऐसा कुछ हुआ पावर की का या स्लीप मोड का, सो आप यहाँ से ये एक जम्पर आप यहाँ से निकाल सकते हो उसके लिए और डाल सकते हो। माइक्रो जम्पर हमने बताया और उस पर फिर हमने आईसी रखी। सो ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना, क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों बनाने में। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवक नगरवाल है और आप देख रहे हैं इंस्टा टेलीकॉप का चैनल, और यहाँ पर ये वीडियो हो सकता है आप देख रहे हो हमारे समीर जी के चैनल पे न्यू गैजेट नगरी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर लाइक अगर इस वीडियो को देख कर भी नहीं कर पाए तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ, इसमें इतनी मेहनत की हमने। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या आप देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आपको पावर की को पूरा ट्रेस करके आपको स्कीमेटिक से कैसे हमने पूरा बताया है कि आपके आईसी तक वो किस तरह से ट्रेसिंग उसको कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली एक आईसी को निकाल पावर आईसी को निकाल के उसके अंदर के पॉइंट तक हमने उसकी कंटिन्यूटी लेके आपको बताया है इस वीडियो में, ताकि दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। और आजकल के जितने भी नए सेट आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि पावर की जो सेक्शन होते हैं उसमें जिनको नॉलेज होगी मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आपने देखा होगा कि उसमें सीरीज में डायोड होता है तो बेसिकली वो डायोड का पूरा काम यहां पर दिखाया गया है, और एक फॉल्ट यहां पर जो आया था उस फॉल्ट को भी हमने यहां पर रिपेयर करके आपको बताया। सो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको सिर्फ ये एक पर्टिकुलर मोबाइल का वीडियो नहीं है, इसको ये मत सोचिए कि इस पर्टिकुलर मोबाइल पर ही है होगा, ये वीडियो आपको ट्रेसिंग आपको सिखाई गई है तो किस तरीके से स्कीमेटिक यूज करना है, जब आपके मन में कोई सेट आए तो उसको किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं और उसके फॉल्ट को डायग्नोस करके हम उसकी पर्टिकुलर उस आईसी पे काम कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये काम आपको सीखना चाहिए सो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे जो आपको यहां पे फ्लैश हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ बातें शेयर की हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टेलीकॉम के बारे में, तो आप बिल्कुल ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी इस वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए, तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे यहां पर आपको दिख रहा होगा वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे, पर उनका क्या जो सिर्फ 6 लैग की आईसी सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस, मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा, यहां पर दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल जो उनकी सप्लाइयाँ हैं, वो सारी सप्लाइयाँ उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर
इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में जो बहुत बड़ी लेवल पर हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा हमारे चैनल को भी, एसर टेलीकॉम को भी और न्यू गैजेट नगरी समीर जी के चैनल को भी। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.